She galvanized me, steady like steel. Assalamu alaikum. I hope everyone is good. मई का एंड है एंड मौसम आजकल कुछ गर्म है और आज हम जा रहे हैं बेजा एयर शो देखने। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन भी है एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को हम फुल एक्शन में देखेंगे। और एक और एक्साइटमेंट है इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने की। यूजली हम डिफरेंट रूट लेते हैं एंड इस ब्रिज से नहीं गुजरते। है पुर्तगाल का फेमस वास्को डे गामा ब्रिज। ये ब्रिज 17 किलोमीटर लंबा है और ये है यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज, जो कि रिवर टागस, पुर्तगीज में जिसको टेजो कहते हैं, के ऊपर से गुजरता है और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। एंड इसका नाम वास्को डे गामा के नाम पे रखा गया है, जो कि एक एक्सप्लोरर था एंड उसने पुर्तगाल से इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर किया था। उससे पहले समुंदर से इंडिया तक जाने का कोई रास्ता डिस्कवर नहीं हुआ था एंड ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड दैट रूट। अच्छा, एंड इसका रीज़न के जो उसकी मोटिवेशन थी इंडिया जाने की, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो चाहता था कि जो इंडिया में स्पाइसेस वगैरह होती हैं वो हम डायरेक्टली बाय कर सकें, रादर देन के हम मिडल मैन को ज़्यादा पैसे दें और फिर उनसे ख़रीदें। और जब वास्को डी गामा इंडिया से वापस पुर्तगाल आया था तो अपने साथ जो कुछ स्पेशल चीज़ें इंडिया की लेके आया था उसमें दालचीनी, सिल्क एंड कुछ मिर्चें थी। वेदर थोड़ा क्लाउडी फील हो रहा था एंड वी हर्ड कि यस्टरडे यहाँ पे बारिश भी हुई है, तो हम तो खुश थे कि भाई मौसम आज थोड़ा सा अच्छा होगा तो हम काफ़ी इन्जॉय कर सकेंगे। अच्छा, इस रास्ते में हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। यहाँ पे रास्ते पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स थे, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे थे, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सारे नेस्ट थे स्टॉक्स बर्ड के। अच्छा, ये बर्ड इसी तरह से काफ़ी ऊंची जगह पर अपना नेस्ट बनाते हैं एंड ये नेस्ट काफ़ी हैवी होता है। मुझे तो ये बस ये हैरानी हो रही थी कि नेस्ट इस पे स्टेबल किस तरह से है, मतलब क्या साइंस यूज़ किए इन लोगों ने, इसको कैसे बनाया है। बट बाद में हमें पता चला कि ये जो नेस्ट है इसके नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, छोटा सा वायर का बना हुआ एक रैक सा लगा हुआ है जिसके ऊपर इन बर्ड्स ने ये नेस्ट बनाया है। अब हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी दी हुई थी कि आप अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाएं एंड अपनी कार यहाँ पे पार्क करें एंड देन द बसेस विल टेक यू टू द एयरबेस। ऑनलाइन फेसबुक पे पोस्ट थी कि काफ़ी रश है एंड चलना भी काफ़ी पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप बसेस ले लें, इट विल बी मोर ईजियर। एंड बच्चे तो खुश हो गए बस में बैठकर। ट्रैफिक को देखते हुए हम खुश थे कि हमें टाइमली पता चल गया इस ऑप्शन के बारे। ये देखें, काफ़ी किलोमीटर्स लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे एंड बस पे जाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो डायरेक्टली हमें अंदर लेगी, अदरवाइज़ बाकी लोगों को जो एयरबेस का बैक गेट है उससे जाना पड़ेगा एंड पीछे जाके पार्किंग करनी पड़ेगी।
ये देखें ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे सब पार्क्ड हैं एंड दीज आर द एयरक्राफ्ट आई थिंक जो परफॉर्म करेंगे. और हम पहुंच चुके हैं. ओ वो देखें जेट्स आर ऑलरेडी फ्लाइंग हियर. यहाँ पे इन्होंने ये हॉट एयर बलून भी उड़ाना था बट आई थिंक ये तो ऑलरेडी पैकअप कर चुके हैं, मतलब ये काम तो हो चुका. वो जहाँ पे आगे दरख्त हैं वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं एंड ये जो हॉल्स हैं इसमें आई थिंक मे बी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एग्जिबिशंस हैं. एंड फैमिलीज तो आई थिंक पिकनिक करी थी, वो अपने वाटर कूलर्स लेके आए हुए थे, खाना लेके आए हुए थे एंड इस तरह से पिकनिक हो रही थी. काफी रश था बिकॉज इट्स अ फ्री इवेंट, कोई भी आ सकता है. एंड फाइनली हम ये एयरक्राफ्ट जहाँ पे डिस्प्ले थे वहाँ पे पहुँचे एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी. टेम्परेचर तो 32 डिग्रीज था बट सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा थी. शेड के बगैर तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था एंड मैं और बच्चे तो ये इधर जहाँ पे इनका मर्चेंडाइज था हम इधर घूमते रहे कि हमें एटलीस्ट हम शेड में तो रहेंगे. ये सब जो हैं ये पोर्टुगीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं. इस जहाज में जाने के लिए इतनी लंबी क्यू थी एंड गर्मी बहुत थी तो हमने तो ट्राई भी नहीं की कि हम कोशिश करें. ये है इनका सुपर टकोनो एयरक्राफ्ट एंड जब लाइट थ्रेड होता है बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, उन सिचुएशंस में इसको भेजा जाता है. और बहुत गर्मी थी एंड हमें समझ नहीं आ रहा था ये लोग ऊपर क्यों देख रहे हैं क्योंकि हमारा तो गर्मी से बुरा हाल था. एंड देन फाइनली हमें ये पैराशूट्स नज़र आए. ये देखें F-35, हम तो F-16 ही सुनते रहते हैं पाकिस्तान में बट दिस इज द लेटेस्ट मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35. पुर्तगाल के पास भी पहले F-16 जिसको फाल्कन कहते हैं वो थे बट अब दे आर रिप्लेसिंग द फाल्कन विद दिस F-35 एंड इसको पेंथर भी कहते हैं वैसे. एंड F-35 जो है ये वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकता है. सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी.
एंड इस हेलीकॉप्टर में जाने के लिए भी बहुत लंबी क्यू थी और हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की जाने की। अभी तो इनका ये हेलीकॉप्टर का शो हो रहा था, बट वी वर वेटिंग फॉर द फाइटर जेट्स। हेलीकॉप्टर के ऊपर पुर्तगीज फ्लैग के कलर्स हैं एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर देयर रेस्क्यू मिशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, सर्वेलेंस के लिए, एंड जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड इसको ये लोग बम्बल भी कहते हैं। एंड ये जो ये वाला जेट है, दिस इज़ सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मीन्स के इट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, बट ऑब्वियसली इनको अलाउ नहीं होता कि ये सुपरसोनिक मोड में जा सके। इट्स अमेरिकन जेट एंड इसका नाम है T-38 टैलन। एंड बच्चों का तो गर्मी से बुरा हाल हो गया था, सो वी डिसाइडेड टू गो चेक द टेंट्स के उसमें क्या हो रहा है। एंड अंदर भी इस तरह से एक क्राफ्ट की एग्जीबिशन है। एंड इस हेलीकॉप्टर के ऊपर रेड क्रॉस था, दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर मेडिकल एड। और
और ये जो एयरक्राफ्ट है दिस इज़ अ ड्रोन एंड ये यूज़ होता है शिप्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए एंड सी में शिप्स की एक्टिविटी एंड ये चीज़ें मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है और ये सब ड्रोन्स भी हैं एंड आई थिंक ये जो शार्क वाला बना हुआ है दिस इज़ द सेम एज दैट वन बट दिस इज़ मोर फास्टर एंड हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो थोड़ा उसका आई थिंक बेटर वर्जन है एंड ये ईगल चेक करें दिस इज़ अ ड्रोन एंड आई थिंक ये मॉनिटरिंग वगैरह और स्पाइंग के लिए यूज़ होता होगा और ये जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये फुली डेवलप मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस असेंबल ये सब कुछ पुर्तगाल में हुए हैं एंड दिस इज़ देयर एयरक्राफ्ट अच्छा सब यहाँ पे शेल्टर में थे शेड में थे बट स्टिल उनको एयर शो देखना था तो यहाँ पे शेड में रह के वो एयर शो भी देख रहे थे बाहर एंड ये जो पूरा हॉल था दिस वाज फॉर द किड्स एंड इसमें किड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी टैबलेट्स थी उस पर ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं देन देवर रोबोटिक एक्टिविटीज़ भी थी डाइस गेम्स भी थी एंड बॉक्स भी खेले जा रहे थे एंड अच्छी बात यह है कि हर टेबल पे एक अटेंडेंट था जो बच्चों को बिजी रख रहा था उनके साथ प्ले कर रहा था अगर पेंट्स कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पेंट्स रीफिल कर रहे हैं प्लेडो दे रहे हैं बच्चों को तो दैट वाज रियली गुड और फिर हमने हिम्मत की एंड फाइनली एक क्यू में लगे गए एंड यहाँ पे मिल रहे थे फ्री फैन ये देखें ये हमें फ्री में मिला है एंड उससे पहले मैं पेपर के पंखे बना के हवा ले रही थी एंड कलर शो भी था इसके बाद जो कि हमें लग रहा था मिस कर देंगे बिकॉज बच्चे थक चुके थे और अब हम घर जा रहे थे एंड जैसे ही हमने जाने की तैयारी की ये एरोबैटिक शो स्टार्ट हो गया एंड पहले तो इट वॉज लाइक वन प्लेन कमिंग फिर दूसरा आ रहा है एंड बारी बारी जा रहे हैं बट दिस इज द रियल वन जिसमें ये लोग अपने स्टंट्स दिखाएंगे
never too far away, loving for another day, but she asked for it. एंड शो देखते देखते हम बस तक पहुंच चुके हैं। अब बस ड्रॉप करेगी हमें पार्किंग स्पॉट पे एंड फिर हम जाएंगे वहां से घर। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड डे। गर्मी काफी थी बट स्टिल हमने काफी कुछ नया देखा, काफी कुछ लर्न किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।